हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुनीति, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप किसी के बर्थडे पे गई हो और आपको कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक ला के रखे और सामने वाला बोले नहीं अरे इनको नहीं, अभी तो इनको गाना है, और आप हैरान हो गई हो कि मैं तो केक खाने आई थी और ये मुझसे गाने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा फंसते हैं आप? ऐसा बहुत पहले हुआ था। अच्छा, लेकिन सच बात यह है कि ये सब चीजें खाने से कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं तो आपको एक्चुअली नहीं कुछ होता क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है आप पे। आई थिंक आप भी लाइव शोज करते हैं, आपको मालूम है अगर गला ऑलरेडी खराब है उसमें आप ये और कमाल कर दें इसको खा के तो बुरी हालत हो जाती है, बट अदरवाइज आई थिंक हम सब सब कुछ खाते हैं और खाना तो जैसे गाने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, तो ये पूरा कनेक्टेड है, गाना खाना। सुरीले लोग खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं एक्चुअली। हाँ जी, और मैं दिल्ली से हैं। हाँ कपिल भैया, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कि जैसे कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं, जब कभी मन रहता है ना, जैसे गर्मी है और बहुत मन है पीने का, चलो यार एक अब कोई लाता है, जबकि कहीं पर जाते हैं हम तो कोल्ड ड्रिंक लाता है, अरे तो लो कोल्ड ड्रिंक लो। अब जैसे हाथ आगे जाता हूँ तो आसपास बैठ रहे थे, अरे नहीं ये नहीं पीता, इनका गला खराब हो जाएगा, इनको मत दो, इनको मत दो, ये नहीं पीगा, फिर उनसे तुम्हें तो चल रहा। और आपके साथ तो और भी होता होगा, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कभी किसी के घर गए हैं और सडनली आप निकलने वाले हैं और उसका आपका एक मिनट, हमारा एक भांजा आया कोल्हापुर से ये सुना गाना भाई साहब, हाँ, और उसने गाया भी इतना गंदा हो, ज्यादातर यही होता है। और ऐसा बोल भी देते हैं, इसका कराओ अपने शो में कुछ ऐसे पीछे मंजीरे मंजीरे बजा लेगा, बजा ऐसे बोलते हैं, आपको तो बड़े लोग बोलते होंगे इसका करा दो कुछ, आते हैं आपको फरमाइश? बहुत बार ऐसा होता है लेकिन करना पड़ता है। वाह वाह क्या बात है, अच्छा लगा। अच्छा, मेहनत करना लेकिन जरूर, क्योंकि खाना खाया उनके घर में तब क्या है ना, कुछ कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मतलब उसके बाद दोबारा नहीं जाते कभी कभी। हर्षदीप के बारे में एक हमने बात सुनी है कि ये जब भी किचन में जाती है ना तो कोई एक्सपेरिमेंट करती है ये। हाँ। खाने के साथ, तो जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं। हाँ जी। खाने के साथ पहले खुद चखती हैं या किसी और को चखाते हैं कि तू खा, अगर तेरे मुंह से जाग नहीं निकली तो फिर मैं खाऊंगा, ऐसा करती हैं आप? मैं कोई शैम्पू थोड़ा ना डालती हूँ खाने में, नहीं मैं खुद ट्राई करती हूँ। क्या किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती हैं आप? मतलब क्यूजिंस मिक्स कर देते हैं कभी, मतलब चाइनीज में थोड़ा मिर्च का तड़का लगा दिया। अच्छा। या देसी घी डाल दिया। देसी घी, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई हैं, मैं कहना चाहूंगी कि वो हर चीज में इतना मुझे देसी घी खिलाती हैं, और अगर आपको मेरे स्क्रीन पे मेरे गाल मोटे लग रहे हैं या मैं थोड़ी हेल्दी लग रही हूँ तो थैंक्स टू बोथ माई मदर, मेरी मदर और मदर इन लॉ। मम्मी वाकई देसी घी बड़ी खिलाती हैं, मेरी मम्मी भी देख लो 2 किलो तो इधर से निकल रहा है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन चीजें होती कई लोगों के साथ, कभी कभी एयरपोर्ट पे कोई आपको मिले तो सर आपका बड़ा फैन हूं, एक ऑटोग्राफ हो जाए, बाद में आपने ऑटोग्राफ दिया, थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं कलाशकर साहब मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। कभी ऐसा भी ऐसा होता है कि फोटो वोटो खिंचा के बाद में नाम कोई और ले लेते हैं कई लोग? ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा हुआ, जिस वाक्य से मुझे एक्चुअली प्यार हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई हो जान के, मुझे एक बहुत ही सज्जन महिला आई मेरे सामने, एयरपोर्ट पे थी मैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना ही कहा, तो मैंने बोला हम लोग मास्क वास्क पहने हुए थे, नो 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 नो। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास गई, उन्होंने कुछ बात बात की और फिर वो वापस आई, आप टेक की मम्मा हो ना? आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग, आई वॉज सो हैप्पी कि टेक की मम्मा है, भाजी मेरे साथ तो बड़ा फनी चीज़ हुआ है, मेरे नाम की वजह से हर्षदीप कौर है, तो कईयों को लगता है कि शायद इनका निकनेम हार्ड कौर है। अच्छा। तो बहुत लोग मुझे वो रैपर अपनी तरन हार्ड कौर समझते हैं। एक बार मैं एक शो करने गई थी, कोई छोटी सिटी थी, तो मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैन वेलकम हर्ड कौर, और पीछे पोस्टर लगा हुआ हार्ड कौर का, और मैं वहाँ अपनी वो पगड़ी वाली लुक में वहाँ पहुंची हूँ, और सडनली मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है मैं हार्ड कोर नहीं हूँ, आपको सूफी गाने सुनने को मिलेंगे, तो देखो पाजी ऐसे कंफ्यूजन भी होते हैं। एक्चुअली बहुत बार होता है। कपिल भैया एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जी, कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो गया था कि
एक लड़का था, बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक साथ फोटो आपके साथ कराना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई करा लो करा लो। उसने फोटो कराया, फिर बाद में बोला अच्छा भाई आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा है। मैंने बोला भाई सलमान अली। कभी ऐसा हुआ सलमान आपको किसी ने फोन करके बुलाया कि मैं आपके गाने का बड़ा फैन हूँ, एक रिकॉर्डिंग करनी है आप ही के लिए है वो गाना, और जब आपने गाया और पेमेंट मांगी हो तो उसने कहा बेटा अभी गला खुलेगा अभी तुम्हारा, अभी टाइम है, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हमारे आर डी बर्मन साहब, मैंने देखा वो आप हम सबके उनके फैन हैं। जैसे एक गाना है ना कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लटा दो, ये नॉर्मल बातचीत है, पर उसका भी गाना बना दिया उन्होंने। तो सुनिधि सलीम भाई एक ना डॉक्टर की पर्ची है, ये पांडे को दिखाने गया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने ये लिख के दिया था उसको, तो ये आपका बड़ा फैन है कहता है आप अगर इसकी कंपोजिशन करवाते तो। चलो कुछ करते हैं, कुछ एक रिदम विदम लगाओ यार, कोशिश करते हैं। हाँ चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालत तेरी थोड़ी नासाज है, दबी दबी सी तेरी आवाज है, ओ हालत तेरी थोड़ी नासाज है, दबी दबी सी तेरी आवाज है, बता रहा हूँ जो मैं नुस्खा, ध्यान रखना तू पूरा उसका, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज का ठंडा खाना नहीं खाना। खटाई अचार से रखना तो दूरी, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, देता हूँ तुझको वरना पकड़ लेगा तो तू रजाई, चल अब हट दूसरे की बारी। वाओ डॉक्टर की पर्ची में इतनी जो मेलोडी डाली आपने। अच्छा हम लोग भूल गए ना शूटिंग हो रही है, हम अपने मजे ले रहे हैं, यही होता है जब इतने सारे खूबसूरत कलाकार बैठे हो। वाह क्या बात है, थैंक यू। तो हमारे ये दर्शकों के कुछ सवाल होते हैं जो वो हमें देते हैं और हम के फेवरेट स्टार्स से उनसे पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है सुनिधि आपके साथ या आपके साथ कि कभी आपने गाना गाया हो और आपको नहीं पता कि आप किसके लिए गा रही हैं, और फिर सडनली जब वो गाना रिलीज हुआ आपको लगा ओ माय गॉड ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हाँ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब परिणीता के लिए गाना गाया था कैसी अच्छा। पहली है जिंदगानी, तो स्टूडियो में एक्चुअली रायमा सेन आई थी जो उस फिल्म का हिस्सा है, तो मुझे लगा वो गाना उनके ऊपर है। फिर उसके बाद जब गाना रिलीज हुआ तो मैंने वो रेखा जी के ऊपर देखा, एंड आई वाज शॉक्ड, मतलब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक्चुअली मेरी आवाज को इतना यंग इतना खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यू नो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं शॉक थी कि उस एज में उस ओहदे की आर्टिस्ट इतना इनोसेंस और इतने यू नो इतने मजे लेकर और यू नो उसको वो परफॉर्म कर रही थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।